आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि एक वस्तु पर आरोपित एफ बल दूरी एक्स के साथ चित्र के अनुसार बदलता है। एफ न्यूटन में तथा एक्स मीटर में है, तो वस्तु को एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 6 मीटर तक चलाने में बल द्वारा किया गया कार्य है। ठीक है, हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि किया गया कार्य कौन सा है। तो इसके लिए हमें क्या दिया गया है, हमें बल विस्थापन वक्र दिया है। ठीक है, ये क्या है हमारा बल और एक्स है हमारा विस्थापन, और हमें एक्स मतलब एक्स बराबर 0 से 6 तक के बीच का कार्य निकालना है। तो इस स्थिति में कार्य क्या होगा, इस स्थिति में कार्य होगा बल विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल। ठीक है, बल विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल क्या होगा, कार्य को निरूपित करेगा। तो बल विस्थापन वक्र का क्षेत्र, कार्य को हम W लिखते हैं, तो बल विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा सबसे पहले हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल प्लस हम लिखेंगे किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल यानी कि आयत क्या है, 3 × 3। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई भी हम देख सकते हैं 3 के बराबर है और चौड़ाई 3 के बराबर है, तो 3 × 3 प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 गुना आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार तो हमारे देखते हैं 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो आधार भी हमारे किसके बराबर है, 3 के बराबर। ठीक है, 6 − 3 = 3 गुणा ऊंचाई हम देख सकते हैं, ऊंचाई भी हमारी किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो यह है 9 + 9/2 यानी कि यह है हमारा 27/2, और 27/2 हमारा कितना होगा, 27/2 हमारा होगा, इसे काट देते हैं तो 13.5 जूल। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ 13.5 जूल के बराबर। और अगर हम ऑप्शन देखें तो हम कह सकते हैं जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।